हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर सूचना क्रांति का अवलोकन करेंगे, उसमें डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, उसमें परीक्षा उपयोगी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सारी चीज को आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं इंफॉर्मेशन रेगुलेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन रेगुलेशन अर्थात सूचना क्रांति के बारे में चलते हैं। तो जैसे हम लोग को मालूम है, सूचना क्रांति वास्तव में कंप्यूटर इंटरनेट का पूरा युग है। आज पूरा विश्व क्या बन चुका है, एक ग्राम बन चुका है, एक छोटा सा गाँव बन चुका है। आप जो मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, इंटरनेट के द्वारा आदान प्रदान करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ये सब के सब सूचना क्रांति की ही देन है। कि चुटकी में हम अपने मैसेज को, चुटकी में हम अपने वक्तव्य को, बातों को, और चुटकी में हम लेन देन को, जो पूरा बैंकिंग जो होता है लेन देन, इसको पैसा इधर देना, इसको पैसा, पूरा का पूरा नेट बैंकिंग जिसको आप कहते हैं, ये सब के सब कंप्यूटर क्रांति का ही कमाल है। आज से 20 साल 30 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि ये पैसे को लेन देन कैसे करे, यहां का मैसेज कैसे करे। चिट्ठी पत्र होते था पूजनीय पिताजी करके। तो आज जो है, आज जो हम लोग कहते हैं सूचना क्रांति की ही देन है कि मोबाइल में फट से आप मैसेज करते हो और जवाब भी तुरंत मैसेज में वार्तालाप भी करते जाते हो। तो सूचना क्रांति आनी यानी इंफॉर्मेशन रेगुलेशन, जिसके कारण आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी क्रांति जिसे पूरे विश्व को प्रभावित किया है। पूरे विश्व में सूचना क्रांति एक शुरुआत दशक के रूप में 1980 को माना जाता था। इंपॉर्टेंट हुआ 1980। इसके बाद तो 1990 के दशक के बाद तो इसने नए आमे को छूना शुरू कर दिया। आज हम जो कुछ इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करते हैं, असल में यही वास्तव में क्या है, सूचना क्रांति है। हमारे देश में दो शहर कॉमन है, बेंगलुरु और गुरुग्राम। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु और गुरुग्राम को विश्व का मानचित्र पर टेक्नोलॉजी हब के रूप में, खासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। भारत आईटी के क्षेत्र में इतना समृद्ध है कि आज पूरे इंटरनेट पर राज करने वाली गूगल में सीईओ भी एक भारतीय, जिसका नाम सुंदर पिचाई है। इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। सूचना क्रांति के तरफ कदम से कदम बढ़ाते हुए हम आज 2G से 5G तक सफर तय कर चुके हैं। भारतीय सूचना क्रांति के सफर को जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको देखना है, तो हम देखते हैं 1956 में पहला डिजिटल कंप्यूटर भारत आया। इंपॉर्टेंट है, कब आया, तो 1956 में आया पहला डिजिटल कंप्यूटर भारत में। 1963 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन के गोलब्रेथ के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर आईबीएम सिस्टम पर कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ करने वाले देश का पहला संस्थान था कौन, तो आईआईटी कानपुर, ये याद रखेंगे। 1965 में हैदराबाद में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1969 में फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान की सहायता से आईबीएम 14-1 योजना आयोग में स्थापित हुई थी। 1981 में एनआर नारायण मूर्ति पुणे में एक गैरेज में अपने 6 साथियों के साथ मात्र 10,000 रुपए की लागत से इंफोसिस नामक एक डाटा सेंटर की शुरुआत की। और 1984 में राजीव गांधी द्वारा सत्ता संभालने के बाद 19 नवंबर, यह है इंदिरा गांधी की जयंती को, एक नई कंप्यूटर नीति घोषणा की गई थी। इसीलिए इनको, राजीव गांधी को, भारत में हमारा सूचना क्रांति के जनक के रूप में भी संबोधित कर दिया जाता है। कि लाने का जो श्रेय इन्हीं को विशेष करके जाता है, इन्होंने एक कंप्यूटर नीति घोषणा की थी, बनाई। 1986 से 19 नवंबर को, ये भी क्या बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, 19 नवंबर को सरकार द्वारा पहली सॉफ्टवेयर नीति की घोषणा भी की गई। तो 84 के बाद 86 याद रखेंगे। 1989 सैम पित्रोदा, बहुत इंपॉर्टेंट, सैम पित्रोदा एम जयराम रमेश के साथ जैक वेल की मुलाकात के दौरान भारत ने विदेशों से में सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग की नींव पड़ी थी। वहीं पर 1990 में मौसम विभाग CRAY XMP-14 नामक कंप्यूटर की स्थापना के साथ भारत को पहला सुपर कंप्यूटर प्राप्त हुआ। और 1998 में, जस्ट 8 साल बाद, 90 के बाद 98, भारत सरकार और राष्ट्रीय आईटी कार्यबल का गठन हुआ। डॉक्टर विजय भास्कर, याद रखेंगे, डॉक्टर विजय भास्कर के नेतृत्व में CDEC ने परम 1000 नामक भारत का पहला देशी सुपर कंप्यूटर बनाया था। 1999 इंफोसिस भारत की पहली कंपनी बनी, जिससे नैसडॉक में अधिसूचित किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम देखना चाहते हैं,
तो भारत में सूचना क्रांति का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। श्रेय वास्तव में इन्हीं ने लेके आया था यहाँ पर कंप्यूटर का यहाँ पर। तो वास्तव में भारत में सूचना क्रांति का श्रेय अगर दिया जाता है तो राजीव गांधी को दिया जाता है। उड़ीसा के सैम पित्रोदा ने भारत में सी डॉट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट की स्थापना 1984 में की थी और सैम पित्रोदा भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा को भारतीय है और भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत इनको माना जाता है। तो देखो श्रेय पूछा जाएगा तो हम राजीव गांधी को देंगे और अग्रदूत की बात किया जाए तो सैम पित्रोदा कहा जाएगा। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में लागू हुई थी। टीआरएआई अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुई। MTNL 1986 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई और BSNL सन 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इंटरनेट की सूचना राजपथ भी कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कब क्या, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है और ईमेल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसका आविष्कारक रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। किसका? ईमेल का, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। सूचना प्रसार संचार की पायलट कुछ कंपनियों को देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है इंफोसिस, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एन और नारायण मूर्ति ने 1981 में पुणे में एक गैरेज में अपने एक साथियों के साथ मात्र 10,000 रुपए लागत से इंफोसिस नामक एक डाटा सेंटर की शुरुआत की थी। यह पहली भारतीय कंपनी जो 1958 नैस्डॉक में अधिसूचित की गई थी। इसके बाद IBM जो अमेरिकी कंपनी थी 1969 में फोर्ड फाउंडेशन प्राप्त अनुदान की सहायता से IBM 1401 योजना आयोग में स्थापित हुई। फिर 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा फेरा अधिनियम लागू किया गया, इस कारण IBM को भारत छोड़ना पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के साथ वर्ष 1992 में टाटा के साथ एक संयुक्त उपक्रम के जरिए IBM भारत फिर लौटी। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लिया जाए तो 1990 माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्य रूप से अपने उत्पाद की बिक्री की देखरेख उद्देश्य भारत में अपना एक केंद्र स्थापित किया था। आज ये फेमस कंपनी है। विप्रो बोला जाए तो साबुन की कंपनी थी, साबुन की फैक्ट्री थी अजीम प्रेम जी की, और ये कंप्यूटर में आए और बाजार में उभरना स्टार्ट हो गए। तो 80 के दशक में अजीम प्रेम जी ने विप्रो का कंप्यूटर को भरते बाजार में उतारा और सफलता की एक बड़ी कहानी रच दी। कुछ इंटरनेट के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते तो इंटरनेट का वास्तव में क्या है? इंटरनेट क्या? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना, यही तो इंटरनेट है। इंटरनेट कंप्यूटर के एक नेटवर्क जिसे किसी भी कनेक्टेड डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। यह 1969 में वैज्ञानिकों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में शुरुआत हुआ और वर्षों में विकास हुआ। कोई एक आदमी विकास नहीं किया था, वर्षों में इसका विकास हुआ था। इंटरनेट वास्तव में 1970 के आसपास है। ऐसे डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा? तो DARPA अर्थात डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो अमेरिका का था द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है सभी वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड का। इसलिए इसे बहुत जगह वर्ल्ड वाइड वेब WWW या सिंपली द वेब भी कहा जाता है। सन 1997 में कोल्ड वार माने रूस और इसके साथ हो रहा था अमेरिका के साथ, उसी समय को कोल्ड वार बोलते हैं, के समय अमेरिका ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना था जिसमें कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। सन 1969 में इसे एजेंसी ने ARPA नेट की स्थापना की, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। सन 1980 तक आते आते उसका नाम इंटरनेट हो गया। बिंटोन सर्फ एंड रॉबर्ट कॉन ने TCP/IP प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया, आविष्कार किया। सन 1970 और 1972 में वहीं रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया था। इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983, इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 1983 में हुई, और अर्पानेट ने TCP और IP को एडॉप्ट किया था। भारत में इंटरनेट की बात किया तो भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया 14 अगस्त मैंने पूरा लोगों में जो अवेलेबल कराया गया 14 अगस्त 1995 में। जब इसे लॉन्च किया गया तो ये था
विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL के द्वारा इसको संचार किया गया था सबसे पहले, याद रखेंगे सन 1995। 1996 में रेडिफ मेल नाम की ईमेल साइट की शुरुआत हुई भारत में। भारत पहला साइबर कैफे 1996 मुंबई में खुला, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब पर WWW पर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क का एक नेटवर्क है जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ता है, या इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली है जो दुनिया भर के अरबों उपकरणों को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करती है। वेब का आविष्कार टीम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, और मूल रूप से इंटरनेट पर जानकारी साझा करने के तरीके के रूप में कार्य करता है। ईमेल आप लोग करते होंगे, जानते होंगे ईमेल संचार का एक डिजिटल रूप है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश, पाठ, चित्र, अन्य डिजिटल फाइल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल शब्द 1970 रे टॉमलिंसन द्वारा गढ़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया और ईमेल का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने। आशा करता हूं ये वीडियो आपको